हाँ ये देख लो भैया, ये है टिपिकल मोरतानियन स्टाइल। ये इसको पगड़ी सी होती है, इसको बांध देते हैं पूरी तरह से। अच्छा भैया मैं आया हूँ इस वक्त, ये एक ना यहाँ से ये लोग जाते हैं डेजर्ट में, मैंने जाना है नॉकशॉट से शूम, और शूम है सहरा में ये, जहाँ पर एक स्टॉप है आयरन ओर ट्रेन का। तो ये कुछ गाड़ियाँ ये ट्यूटे जाते हैं यहाँ से इधर शूम की तरफ, तो हम उससे ही पता करने आए थे कि ये हमें यहाँ से शूम तक पहुँचा दे और कितने टाइम में पहुँचाएगा और कितने पैसे लेगा। तो भैया ये ट्यूटा है ये वाला, ये बता रहा था कि भाई ये जाते तो अब ये मुख्तार, मैंने बताया था ना ये मुख्तार ने काफ़ी मेरे साथ बार्गेनिंग की है, तो भाई ये मान गया है मुझसे कोई 7,000 उगिया के अंदर कि ये मुझे पहुंचा देगा शोम में। तो सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, तो लेट्स सी। या बाकी है कि 1 यूरो में 40 उगिया होते हैं, तो वहाँ से हिसाब लगा लेना। तो है थोड़ा सा महंगा ही, लेकिन मैंने कहा यार डेजर्ट के अंदर से जाना है तो ना थोड़ा सा ज़रा कम्फर्ट देखो अभी। अच्छा ये बंदा यार इसको बहुत शौक है आने का अंदर वीडियो में। शेयर यू से सही हेलो। अच्छा भैया मैं अब आया हूँ यहाँ पर ना नॉकशॉट की एक मार्केट में। कल हमने निकलना है डेजर्ट में शूम के लिए, अपनी जो आयरन ओर ट्रेन है उसके सफ़र के लिए। तो उसके लिए सहरा में आप जाते हैं, दिन के वक्त बहुत सख्त गर्मी होती है, तो सर को और सारे जिस्म को ढांपने के लिए ना कुछ ये सहराई लोग कुछ ख़ास किस्म के कपड़े पहनते हैं, कुछ चीज़ें लपेटते हैं, तो वो मैं आया हूँ ख़रीदने के लिए। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं ताकि आगे जो रास्ता है, रास्ते में मैं कुछ भी नहीं मिलना। मैं भी ना मुख्तार से कह रहा था कि यार मुझे ना यहाँ पर वीडियो बनाते हुए डर लगता है बहुत कि लोग किस तरह से रिएक्ट करें, ख़ास तौर पर ये जब एयरपोर्ट का वाला हादसा हुआ है ना, उसके बाद से मैं यहाँ बहुत डर डर के वीडियो बनाता हूँ। यो दिस साइड पाकिस्तानी, यहाँ पे क्या कर रहे हो? घूमने के लिए जाना है, सही बताओ कहाँ से हो? पाकिस्तान से। तो इधर रह रहे हो काम के लिए आए हो या काम के लिए? कब से रह रहे हो इधर? ये हो गया कोई आधा साल, 6 महीने। 6 महीने से इधर नौकर नहीं रह रहे तो कहीं तो यार काम वगैरह है यहाँ पे? तो बात है क्या काम करते हो? यही ट्रेन। अच्छा ये ट्रेन करने का ये अच्छा है यहाँ पे काम? ऐसे आगे लोगों से मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो बड़े अच्छे हैं लोग। नहीं नहीं वही ना, वो मुख्तार एक ही बंदा मुझे मिला है जो अच्छा है, वो थोड़ा सा मेरे साथ जरा चल भी जाता है। अच्छे हैं मुझे मुझे तो एयरपोर्ट पे मैंने बड़ा तंग किया था। एयरपोर्ट वाले पाकिस्तान में वो भी तंग करते हैं मुझे। अच्छा तो करते हैं, ये कॉमन है यहाँ पे यार। एयरपोर्ट वाले ने बहुत तंग किया मुझे, 2 दिन बिठाए रखा। हाँ पर पता ही नहीं है यार हमें क्या अपना, इसकी जुबान आती है मुझे, फ्रेंच बोलते हैं ये थोड़ी बहुत, हमें तो भाई बिल्कुल वही ना समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। बहरहाल तो अच्छा अब आप यहाँ यार दिल्ली पे रहना है कि जाना है वापस? इधर ही बच्चे अकेले ही हो कि और भी है कुछ? बड़े अच्छा 2 मिनट बाद आपको दिखा देता हूँ उधर है। अच्छा अच्छा भाई यार मैं भाई ये मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात है। ये देखो ये पाकिस्तानी बड़े हैं, ये पाकिस्तानी भाई मुझे मिल गया यहाँ पे नॉकशॉट में, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई अपना देसी बंदा हो सकता है। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा यार। आपका नाम? सुहेब। सुहेब यहाँ पर आप काम ये चीज़ें सेल वगैरह करते हो या परफ्यूम और इस तरह की? उसमें यार अच्छी कमाई हो जाती है। अच्छा जो बच जाता है आप? वाह ज़बरदस्त है यार। और इधर मेरे ख्याल महंगाई भी नहीं महंगाई क्यों नहीं थी? हाँ अच्छा यार भाई वो कह रहा है कि यहाँ पर रह के वो काम करके 2 लाख महीने का, 2 लाख पाकिस्तानी 2 लाख, 2 लाख रुपये महीने के बचा लेता है वो। ठीक है यार वेरी नाइस मीटिंग यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल मेरे लिए
बिल्कुल मेरे लिए ना अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे कोई आपको देसी पाकिस्तानी मिलना चाहिए। पाकिस्तानी बड़े हैं आप, इधर सभी जाए इधर बैठा होगा, थोड़ा सा आगे या फिर बैठा होगा, पाकिस्तानी तो बड़े हैं। बड़ी बात है, चले ठीक है यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। Before we go to the clinic, I want to pray, okay? Yes, yes, sure, sure. We, I can also pray. No यार मार्केटें यहाँ की भैया अपने वो लाहौर की टाइप की हैं, जिस तरह का रश माल पे हाल रोड पे अनारकली में नहीं होता, उसी तरह का रश। इंडियन सॉन्ग मुझे लग रहा है पाकिस्तानी यार, ये मुझे लग रहा है एक और पाकिस्तानी बंदा मिल रहा है, पाकिस्तानी यार मैं हैरान हूँ यार, इधर पाकिस्तानी कहते हैं यार। दूसरा पाकिस्तानी बंदा मुझे मिला है यहाँ पे, वो कुछ ना कॉस्मेटिक्स की चीज़ें सेल कर रहा था और मैं हैरान हो गया हूँ कि वो मुझे बता रहा था कि नॉकशॉट में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। अब वो कुछ ज़्यादा बातें हैं, मैंने उससे वैसे वो ना कैमरे पे बताना नहीं चाह रहा था, तो बहरहाल उससे मैंने पूछी है तो वो कह रहा था कि पाकिस्तानी यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं भाई, बेसिकली आगे कहीं ना एजेंट लेके आते हैं एजेंट्स के थ्रू, और वहाँ से फिर वो उनकी कोशिश होती है कहीं आगे स्पेन वगैरह की तरफ निकलने की। बाकी अब ये मार्केट हम आ गए, ये मार्केट अपनी जो है ना वो अनारकली टाइप की मार्केट है, हाँ यार। अच्छा भैया ये मैं ना यहाँ पे अब आया था ये टी शर्टें लेने के लिए, तो वो लेना तो हमने दरअसल वो कपड़ा ही है डेजर्ट के लिए, लेकिन कपड़े भी ख़त्म हो रहे हैं मेरे पास, तो मैंने कहा दो शर्टें भी ले लें, तो दो शर्टें लिए मैंने अपना टी शर्टें ये अपने इस भाई से अंत इसमें सालिक जुमा ठीक। अच्छा यार सालिक जुमा इसका नाम है इस बंदे का, तो ये दिखाओ ज़रा, ये शर्ट दिए इसने मुझे 200 हो गया थी, यानी 250 सॉरी 250 हो गया, तो मैंने बताया था एक यूरो में 40 होते हैं, तो ये कितने बन गए हर छः पता नहीं, बस आप लगा लेना जितने भी बनते हैं भाई, 250-250 हो गया कि इसने मुझे एक शर्ट दी है, तो शर्टें अच्छी हैं से गुड, तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। डू यू नो इंग्लिश? नो यार यू कैन स्पीक इंग्लिश, देन व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, यू नो नोबडी नो दे नो लेटर हियर स्पीक्स एवरीबॉडी स्पीक्स ओनली फ्रेंच, व्हाट्स इट इंग्लिश से वो इंग्लिश से वो अप्रैल प्रोशो फा Quindi una ragione di inizio per imparare a stare inglese. This is the second time you will find me talk English. Ah, yes? Okay, I will come after one week. I will check. Yeah, that's smooth. Smooth? Yeah, I will come, I will check if you can speak English. When you come, we find him, you know how to tell him hello, something like that. Okay, great, thank you. Maybe you have a bag? ये है भैया वो सफ़ेद कपड़ा, अब मुझे पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, किस तरह बांधते हैं, और अलग वो कुछ साइज़ अपनी मर्जी से बना के दे रहा है मुझे। हाँ ये देख लो भैया, ये है टिपिकल मोरतानियन स्टाइल, ये इसको पगड़ी सी होती है, इसको बांध देते हैं पूरी तरह से ना, अब जो सहरा में जाना है तो धूप बहुत तेज़ होती है और वो रेत भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो उससे बचने के लिए अब इस तरह का स्टाइल, और फिलहाल तो उसमें बांध ही है, लेकिन अब पहले मुझे सीखना भी है इसको कि बांधना कैसे है, तो ये बांध के फिर मैं कल जाऊँगा। लेकिन इस जगह के ऊपर ये मुख्तार के कहने के ऊपर मैंने बगैर ओहो यस, ये देखो यार ये और पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं,
इंडियन गाने भी लगे हुए हैं। ये देखो यार पाकिस्तान इंडियन गाने नॉकशॉट मोरितानिया में इंजॉय हो रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ओके भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया बहुत वंस अगेन। यार ये मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था, ये मोरितानियन टी होती है बड़ी स्पेशली बनाते हैं, तो कोई प्रॉपर जगह तो मुझे नहीं मिली बैठ के पीने की। अभी यहाँ पर ये मिल रही थी, ये मुख्तार ने कहा कि यहीं से पी लेते हैं, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मोरितानिया में ना एक और प्रॉब्लम भी है कि मास्टर और वीज़ा कार्ड जितने भी हैं ना वो हर एटीएम पे नहीं चलते, और मैंने कुछ जगह हैं सिर्फ जहाँ पर वीज़ा कार्ड चलता है, और ये सिर्फ एक बैंक है भाई ये मेरे पीछे इस वक्त सोसाइटी जनरल, जहाँ पे ना मास्टर कार्ड चल जाता है आप एटीएम से निकाल लेते हैं। और वो भी मैंने नोट किया है जो मास्टर कार्ड मेरे पास जो पाकिस्तान वाला है वो नहीं चला, उसमें से कुछ नहीं निकला ना वीज़ा पाकिस्तान वाला। जो जर्मनी वाला मास्टर कार्ड है वो चल गया, उससे निकला है पैसे। तो ये बड़ा मसला है यार यहाँ पर ना मोरितानिया में, ये सिर्फ ये एक बैंक है मेरे पीछे सोसाइटी जनरल के जिससे पैसे निकलते हैं, और किसी बैंक से जो मास्टर कार्ड है जर्मनी वाला वो भी नहीं चलता। तो यहाँ पर मोरितानिया में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे बेहतर ये है कि बंदा जब भी आए जितना भी है ना कैश लेके आए साथ। तो यहाँ से अब हमने लेनी है भैया एक टैक्सी। अब ये मेरे पीछे देख लो, ये जिस तरह की गाड़ियाँ यही टैक्सियाँ चलती हैं इधर। और ये है कि एक टैक्सी में चार छः बंदे, जितने बंदे घुस सकते हैं घुस जाओ। यार इसी रोड पे मैंने देखा था कि एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, वो जो बंदे में पाकिस्तानी मिले थे उससे मैंने पूछा था यार कि हमको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसने बताया था एक जगह पे लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने ना अभी चेक किया था कि इसी रोड पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो उसको देखते हैं चल के। काफ़ी दिन से ना प्रॉपर खाना नहीं खाया देसी अपना, तो यार ये लग रहा है मुझे यो ये है यार इंडियन। ये है भैया अपना इंडियन रेस्टोरेंट आ गया। हेलो सर इंडियन है यार, खाना तुमने खा लिया यहाँ से, लेकिन खाना एक तो स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, और दूसरा जो बंदे हैं यहाँ पे वो तो यार को बड़े कोई रूखे से थे, कोई इतने ज़्यादा गर्म जोशी नहीं थी। अब मुझे नहीं पता किस वजह से, मेरे पाकिस्तानी होने की वजह से तो नहीं था, अल्लाह जाने बहरहाल वॉट एवर द रीज़न। तो मैं तो आया था कि यार ज़रा थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी, चलो अपना देसी माहौल है को देसी बंदों के साथ, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा गर्म जोशी नहीं दिखाई भाई अपने इंडियन दोस्तों ने। तो चलो कोई नहीं खैर है, अभी यहाँ से अब हम चलेंगे भैया वापस से होटल, और पकड़ते हैं कोई टैक्सी कोई जिसमें को बहुत सारे बंदे इकट्ठे बैठते हैं। ये एक लाइटें मार रहा है शायद ये चल पड़े। थोड़ा पुश करना है कम या इट इज़ अ प्लेस। ये देख लो भैया यार ये रिक्शा भी चलता है अपना ये इधर मोरितानिया में नॉकशॉट, तो अब होटल जाते हुए ना रिक्शा नज़र आया तो रिक्शे पे हम बैठ गए। ये बिल्कुल वो अपने जैसे रिक्शा है जिस तरह का अपना चलता है सेम उसी टाइप का ही है। अब मुझे पता नहीं है कि इस वक्त कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रात का टाइम है और लाइट भी कोई नहीं है, लेकिन बाहर एलईसी से गुजारा करो भाई।